आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी चिकन पॉपकॉर्न. क्रिस्पी चिकन पॉपकॉर्न, हाँ, वो पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा, फिर आप खाएंगे. चलिए जी, हम रेसिपी की तरफ चलते हैं. अच्छा, ये मैंने 500 ग्राम चिकन लिया, इट्स बोनलेस. मैंने ब्रेस्ट पीस लिए थे दो, ठीक है, उनको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया था, ठीक है. अब मैं इसका आपको मैरिनेशन बता दूँ, जो इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी. इसमें जाएगा चिली फ्लेक, जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो इसमें जाएगी, सोया सॉस इसमें जाएगा, ब्लैक पेपर पाउडर है, आपका लेमन का जूस है, ब्राउन शुगर है, थोड़ा सा कैरेमलाइज करेगा ये, ठीक है, चिली सॉस है, और ये सेसमी सीड जो कि मैंने इसको थोड़ा सा रोस्ट करके रख दिया था वो इसमें जाएंगे, ये बेकिंग पाउडर है, ये पेपरिका पाउडर है, ठीक है, चॉप गार्लिक है, थोड़ी सी हरी मिर्चें, दो से तीन मैंने इसको चॉप कर लिया था, गार्लिक का पेस्ट है, नो जिंजर, इसमें जिंजर ऐड नहीं होगा, जस्ट गार्लिक पेस्ट है, और एक अंडा है. अच्छा, जो जिसके लिए हमें जो बैटर बनाना होगा, बैटर के लिए हमको चाहिए एक कप मैदा, सेल्फ जो फ्लावर होता है, ठीक है, 4 टेबलस्पून इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर, और 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा राइस फ्लावर, जो चावल का आटा होता है, उससे क्या होता है, और क्रिस्पी और क्रंची बनेगी आपकी जो ये पॉपकॉर्न चिकन होगी, ठीक है. नमक एज पर योर टेस्ट, लेकिन मैं इसमें 1 टीस्पून डालूंगी. तो मैं मैरिनेट कर देती हूँ इसमें पहले, फिर हम उसको फ्राइंग की तरफ ले, क्योंकि हमें 5 to 7 मिनट्स को मैरिनेट करके रखना पड़ेगा. शेफ नौरीन यहाँ तक पहुंची कि मैरिनेशन मेरा रेडी हो गया है. मैंने चिकन लिया था 500 ग्राम जिसको मैंने क्यूब्स में काटा था, ठीक है, उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डाला, सॉल्ट 1 टीस्पून डाला, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, 1 एग बीट करके मैंने डाला, ठीक है, और मैंने इसमें क्या था, ब्राउन शुगर 1/4 टीस्पून एंड ब्लैक पेपर पाउडर एंड पेपरिका पाउडर 1/1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड करके मैंने मैरिनेशन ये कर लिया. अब मैं आपको बताती हूँ ड्राई जो हम जिसमें इसको डिप करके हम फ्राई करेंगे, ये है कॉर्नफ्लावर, ये है 3 टेबलस्पून, ठीक है, ये मैंने करके रखा हुआ था, ये इसमें जाएगा. मैदा इसमें जाएगा 1 कप, ठीक है, इसमें हम ये ऐड करेंगे. एंड ये राइस फ्लावर जो है इसके अंदर जाएगा 3 टेबलस्पून, ठीक है, हम इसमें ये ऐड करेंगे भर के हीप्ड, ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा. अच्छा, सॉल्ट इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून, 1/2 टेबलस्पून, ठीक है, ये पेपरिका पाउडर इसके अंदर आएगा 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर आएगा 1 टीस्पून, ठीक है. अच्छा, ये थोड़े से सेसमी सीड्स हैं, ये इसके अंदर जाएंगे जो रोस्ट करके मैंने रखे थे, ये इसमें जाएंगे. थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी लाइक 1/2 टेबलस्पून चॉप गार्लिक, ठीक है, और ये है बेकिंग पाउडर, ये इसके अंदर जाएगा 1/2 टेबलस्पून, ठीक है. हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हमारा एक इंग्रेडिएंट रह गया है जो कि है चिली फ्लेक्स, ये इसके अंदर जाएगा अराउंड 1 टेबलस्पून हीप्ड, मतलब भर के, ठीक है. हम इसको ये मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से यूं करके. अच्छा असवर, अब मैं इसमें क्या करूँगी, जैसे मैंने चिकन लिया उसको मैंने ड्राई इसमें डाला, देन मैंने पानी में डाला, फिर मैंने इसको ड्राई उसमें डाला, फिर इसको डीप फ्राई करेंगे, ठीक है. ये इसका ये वाली चीज़ होती है, ठीक है, ठंडे पानी में. हाँ, अब ये पानी आ गया, मैं आपको बता दें, इससे होगा क्या पानी में क्रिस्पी होगी, थोड़ा बैटर लगेगा तो क्रिस्पीनेस ज़्यादा आएगी. जैसे मैंने अब एक मैं करके दिखा दूँ, जैसे मैंने एक ये लिया क्यूब, ठीक है, मैंने ड्राई इसमें डाला अच्छी तरह, ठीक है, फिर मैंने इसको पानी में डाला, फिर मैंने इसको ड्राई इसमें डाला. इससे क्या, थोड़ी देर मैं इसको रखूंगी 4 to 5 मिनट्स और फिर मैं इसको डीप फ्राई कर लूँगी. चिकन हमारी फ्राई हो गई है, ठीक है, इसका सॉस बन रहा है ऑरेंज सॉस, जो कि मैंने क्या किया था मैं बता देती हूँ. ऑरेंज सॉस के लिए मैंने 1 कप ऑरेंज जूस लिया था, कोई भी ब्रांड का आप लोग जूस ले सकते हैं, अगर ऑरेंजेस अवेलेबल नहीं है. उससे मैंने क्या किया था, 1 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस डाला, 1 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाला, सॉल्ट डाला एज पर योर टेस्ट, 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस डाला था, गार्लिक चॉप गार्लिक मैंने 1 टेबलस्पून डाला, ब्राउन शुगर मैंने 1 टेबलस्पून डाला एंड चिली फ्लेक्स इसमें 1 टेबलस्पून, क्योंकि मैंने जल्दी से इसको स्टर किया, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, फिर हम चिकन के साथ इसको सर्व कर देंगे, ठीक है. और ऑरेंज सॉस, अब चिकन का मैं बता देती हूँ. चिकन मैंने 500 ग्राम ली थी बोनलेस, ठीक है, उसको मैंने क्यूब्स में काटा, उसके बाद मैंने उसमें एक एग डाला, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डाला, 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाला, 1 टेबलस्पून लेमन का जूस डाला, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डाला, सॉल्ट 1 टीस्पून डाला, ब्लैक पेपर पाउडर, पेपरिका पाउडर सब 1/2 टीस्पून डाल के मैंने इसको मैरिनेट किया और 1 एग बीटन मैंने इसमें डाल दिया. फिर मैंने इसका ड्राई बैटर बनाया, मतलब ड्राई जूस का वो होता है मिक्सर मिक्सिंग. 1 कप मैंने मैदा लिया, 1/2 कप मैंने कॉर्नफ्लावर लिया, 3 टेबलस्पून मैंने इसमें राइस फ्लावर लिया एंड 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला. उसके बाद मैंने इसे पेपरिका पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक और थोड़े से रोस्टेड सेसमी सीड्स मैंने इसको डाल के इसका ड्राई बैटर बनाया. फिर चिकन जो मैंने मैरिनेट किया था वो मैंने ड्राई में डाला, फिर पानी में डाला, फिर ड्राई में डाला, फिर मैंने इसको ये फ्राई करके रख दिया. एंड इट लुक्स वेरी प्रीटी.